अगर महीने में एक मर्तबा फेशियल कर लिया जाए तो आपके पिगमेंटेशन और झाइयाँ हमेशा के लिए रिमूव हो जाती हैं, डार्क स्पॉट्स कम हो जाते हैं, ब्लैक हेड एंड वाइट हेड निकल जाते हैं। लेकिन जब फेशियल की बात आती है तो हम पार्लर के खर्च से और वहाँ वेस्ट हुई टाइमिंग से बहुत ज़्यादा सोच में पड़ते हैं। लेकिन अगर हमें यही फेशियल किट घर में मिल जाए, आज मैं आप लोगों के साथ एक फेशियल किट का रिव्यू करने वाली हूँ। इसके पहले भी मैंने इस फेशियल का रिव्यू किया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं। इसको मैंने मीशो से लिया है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। इससे आप कई महीने, 6 से 7 महीने तक फेशियल कर सकते हैं और आराम से अपने पैसे बचा सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन इसके रिज़ल्ट है, क्योंकि इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है। इसका मैंने यूज़ करने के बाद ही आपको रिव्यू दिया है। तो ये किट मैं आप लोगों के सामने अभी खोलने वाली हूँ। तो बस इसमें फेशियल के डिब्बे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें ये कुछ इस तरह से फेशियल दिया हुआ है। ये इसमें 5 तरीके की डिब्बियाँ हैं, यानी कि 5 स्टेप्स आपको मिल जाते हैं। इस बॉक्स में मुझे एक कार्ड भी मिला है, ये पेटीएम कैश रिवॉर्ड है, यानी कि 50 रुपये का कैश बैक रिटर्न भी मुझे मिला है। और इतने रिजनेबल प्राइस में अगर आपको 50 रुपये वापस मिल जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा दिल खुश कर देता है। तो चलें इस रिव्यू पर आते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक फ्रूट फेशियल किट है। ये एक फ्रूट फेशियल है जिससे आप अपनी स्किन को रिजनवेट कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स तो हटते ही हैं फेशियल करने से, साथ ही स्किन पर जितनी भी पुरानी मैल और गंदगी होती है वो भी साफ होती है। पहला स्टेप इन्होंने दिया है क्लींजर का, जैसे कि हर फेशियल में होता है। इससे हमारी स्किन बहुत अच्छे से प्रेप होती है फेशियल करने के लिए। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये आपकी स्किन को साफ करेगा और फेशियल के लिए तैयार करेगा। इससे आप 5 से 3 मिनट तक मसाज करके अपने स्किन को अच्छे से गीले कॉटन से या टॉवल से पोंछ ले, और फिर प्रिपेयर हो चुकी है आपकी स्किन अच्छी तरह से फेशियल करने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब दूसरे स्टेप को हम देखते हैं। स्किन पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा मैल जमी है, या फिर आपका ब्लैक हेड बहुत बनता है आपकी नोज़ पर या फिर आपकी ठोड़ी पर, तो ये एक्सफोलिएटिंग स्क्रबिंग है जिसको आप करके अपने स्किन के जितने भी डेड सेल्स हैं, वाइट हेड्स वगैरह को निकाल सकते हैं। और रिमूव करता है ये आपकी चेहरे की तमाम गंदगी को। इसमें बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी वे में साफ़ करते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को साफ़ करता है, क्लियर करता है एंड क्लीन करता है। ये है इनका तीसरा स्टेप, यानी कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिशिंग करता है। नरिशिंग जेल है ये, जिससे आपकी स्किन नरिश्ड होती है, रेडिएंट ग्लो आता है। इससे आप सर्कुलर मोशन पे अपनी स्किन को अच्छे से मसाज देंगे, जिससे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेडिएंट होगी, ग्लोइंग होगी, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी, आपकी स्किन पॉलिश होगी, बहुत ही अच्छे से रेडिएंट ग्लो आता है। इसको आप जब करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से ग्लो आने लग गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस फेशियल किट की एक खास बात बता देना चाहती हूँ कि ये स्किन विशेषज्ञों ने टेस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये पैराबीन फ्री है और आपकी स्किन पर बिल्कुल सूटेबल है, किसी भी तरीके का हार्म नहीं करता है, आप इसको देख सकते हैं। तो चौथा स्टेप इसका है वाइटनिंग क्रीम का। हमारी स्किन धूप से बहुत ज़्यादा झुलस जाती है, धूप में हमारा काम होता ही होता है, हम चाहे जितना बच लें, और डर्ट और पोल्यूशन के साथ साथ हमारी स्किन दिन ब दिन काली होती चली जाती है। तो आपको वाइटनिंग क्रीम मिल रही है जिससे कि आप अपनी स्किन को वाइटन एंड ब्राइटन कर सकते हैं। स्किन एक दिन में तो गोरी नहीं हो सकती, लेकिन फेशियल करने से बहुत हद तक रिमूव हो जाते हैं डार्क सर्कल वगैरह, जितने भी दाग धब्बे हैं, आने वाले स्किन है, तो इससे बहुत ज़्यादा हद तक आपकी स्किन साफ और चमकदार होती है। ये तो सबको पता है, इसीलिए हम भागते हैं पार्लर की तरफ फेशियल कराने के लिए। तो ये स्टेप है, और बहुत ही अच्छी सी वाइटनिंग क्रीम आपको मिल जाती है। इससे आपको मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, और इसको भी आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट भी आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद गीले कॉटन से पोंछ दीजिए। ये आपका स्टेप चौथा कंप्लीट होता है फेशियल का, और मुझे तो ये कमाल का फेशियल लगा है, इतनी सस्ते में। लास्ट में मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगी और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना यार, पिक्चर भी बाकी है, छोड़कर मत जाना। ओके,
इस फेशियल में इन्होंने जो वाइटिंग क्रीम दी है ना, एक्चुअली में वो ही एक अलग और एक्स्ट्रा क्रीम दी है जो कि पार्लर सीक्रेट भी है। पार्लर वाले हमेशा हमारी स्किन पर एक क्रीम का एप्लीकेशन करते हैं जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो ये वही वाइटनिंग क्रीम है जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, जिससे हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं पार्लर में ब्लीच वगैरह कराने के बाद और फेशियल कराने के बाद। तो पाँचवें स्टेप पर हम आते हैं। तो पाँचवा स्टेप इन्होंने दिया है फॉर्मिंग फेस पैक। फॉर्मिंग फेस पैक क्या होता है? ये आपकी स्किन को फॉर्म करने का काम करता है। अब फॉर्म क्या करता है कि आपकी लूज स्किन है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लटक चुकी है, बहुत ढीली और फाइन लाइंस आ चुकी हैं, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट सजेशन है कि ये फॉर्मिंग फेस मास्क आपकी स्किन को बिल्कुल टाइटन करेगा और आपने जितने भी फेशियल स्टेप्स फॉलो करें हैं उन सब की गुडनेस को आपकी स्किन के अंदर लॉक कर देगा। तो ये क्रीमी टेक्सचर में है, इसको भी मैं आपको दिखाती चलूँ। अमेजिंग सा इसका रिजल्ट आने वाला है, जैसे ही आप 15 दिन या 20 दिन में या महीने में एक बार करेंगे तो आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। अभी हम इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये मुझे मिला है 185 रुपीज़ में और 50 रुपये का कैश बैक भी मिला है रिटर्न। तो अब बारी आती है ये आपको मिलेगा कहाँ से। आप मीशो पर जाएं, मीशो ऐप पर, और वहाँ पर प्रतिबिंब फेशियल किट लिखें, फ्रूट फेशियल किट लिखिएगा तो ये आ जाएगा। मुझे यकीन है कि अभी तक ऐसा रिव्यू आपको किसी ने नहीं दिया होगा। ये मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के साथ बिल्कुल फाइंड कर दी है, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर से यहाँ पर कमेंट करें, मैं आपका जवाब ज़रूर से दूंगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर से छोड़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हर महीने फेशियल करते रहिएगा। चले, टेक केयर, बाय बाय।